वो आरोप बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल ही झूठे हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी, जो सेफ्टी यहाँ पे है, जो आदर सम्मान महिलाओं का यहाँ किया जाता है, वो कहीं भी नहीं किया जाता। जी नमस्कार दोस्तों, मैं विशाली सोनी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देख रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा में आज भीड़ भाड़ का माहौल है। जानिए मैम, बताइए आपका नाम क्या है? सोनम इंसा जी। कहाँ से आए? मैं यहाँ MSG कॉम्प्लेक्स से हूँ। मतलब डेरा के साइड में ही जो है? हाँ जी, डेरे की कॉलोनी है मैम ये जी। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है जी। वहाँ की सिक्योरिटी जो है वो शायद कहीं भी नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे सेफ है, हम सेफ है वहाँ पे। हम काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ तक कि मैंने जो नाम भी 5 साल की उम्र में ले लिया था, और जो मेरी स्टडी है वो भी डेरे वाले स्कूल और कॉलेज से है। तो अक्सर क्या आप यहाँ आते रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हर संडे आते रहते हैं। आज किस पर्पज़ के लिए आए हैं? आज मैं यहाँ सत्संग सुनने आई हूँ, और वैसे यहाँ पे आज सेवा का माहौल भी है। फ्री आई कैंप चल रहा है 130वां, और ये हर साल लगता है दिसंबर के महीने में जी। तो इस कैंप में क्या कुछ चार्ज डोनेशन वगैरह लिया जाता? बिल्कुल भी कोई भी डोनेशन नहीं लिया जाता, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री किया जाता है। जो गरीब लोग हैं उनका इलाज फ्री किया जाता है, आँखें वगैरह दिखा सकते हैं वो अपनी, ऑपरेशंस भी फ्री होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारा अच्छा स्टाफ है हॉस्पिटल्स का जी। तो क्या और भी ऐसे मानवता भलाई के कार्य हैं जो लोग कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत से ऐसे मानवता भलाई के कार्य हैं, जैसे कपड़े बांटे जाते हैं, और जैसे बहुत से ऐसे कार्य हैं जैसे साफ सफाई का है, सफाई अभियान भी चलता है, पौधारोपण भी चलता है, जो आप शायद डेली रूटीन में देखते भी होंगे जी। तो डेरा की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डेरे की सिक्योरिटी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिक्योरिटी है। हमारे बच्चे, हम लोग बिल्कुल सही माहौल में रह रहे हैं, और शायद ऐसा माहौल कहीं भी नहीं मिलेगा। और हम लोगों का कहीं भी जाने का दिल नहीं करता, जो हम लोग बाहर भी जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते जो सिक्योरिटी यहाँ है जी। तो महिलाओं के प्रति क्या गुरुजी ने कुछ ऐसे कार्य चलाए हैं? हाँ जी, बहुत से महिलाओं के प्रति गुरुजी ने कार्य चलाए हुए हैं। किस प्रकार के कार्य? जैसे क्या बताऊँ, जैसे वेश्यावृत्ति है, और जैसे जो इस में गए हुए हैं उन लड़कियों को बाहर निकाल के पिताजी ने बेटी बनाया है, और जो कोख में बेटियों को मार देते हैं उनके लिए भी यहाँ पे किया गया है कि आप उन बेटियों को लेके आओ। और यहाँ पे काफ़ी सारी बेटियाँ हैं जिनका यहाँ पे वो स्टडी कर रही हैं अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में जी। यहाँ तक कि अब उनकी एक बेटी की शादी भी हो गई है बहुत अच्छे घर में जी। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बेटियों को लेकर गुरुजी ने इतने कार्य चलाए हैं, तो उनका चरित्र लड़कियों को लेकर किस प्रकार का है? किस प्रकार का स्वभाव वो लड़कियों के लिए यूज़ करना किया करते हैं? उन्होंने तो हमेशा अपनी बेटी ही बना के रखा है सभी को। मैंने 5 साल की उम्र में नाम ले लिया था, अब मैं 30 साल की हूँ, यहाँ तक कि 25 साल मैं कंटिन्यू डेरे में आ रही हूँ। तो जैसा दुनिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने हमेशा अपनी बेटी के लिए बेटी ही बनाया है। तो पिछले दिनों हम देख सकते थे कि किस प्रकार से जो मीडिया ने गुरुजी पे आरोप लगाए गए थे बहुत सारे, डेरा को लेकर और लड़कियों महिलाओं को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो आरोप बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल ही झूठे हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी, जो सेफ्टी यहाँ पे है, जो आदर सम्मान महिलाओं का यहाँ किया जाता है, वो कहीं भी नहीं किया जाता जी। तो सरकार को आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मेरी यही अपील है कि हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी आएं, क्योंकि जो ये बीमारियाँ फैल रही है, कोरोना आ रहा है, इतनी बुरी तरह से संसार पूरा वर्ल्ड इसमें है, तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी आएंगे तो ही ये बीमारियाँ जाएंगी, अदरवाइज गवर्नमेंट को ये सब झेलना ही पड़ेगा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि आज भी करोड़ों की तादाद में संगत आ रही है, और उनका यही कहना है कि उनके गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, ताकि समाज सुधारक के जो भी कार्य चल रहे हैं उनको कंटिन्यू किया जा सके। तो और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम में। धन्यवाद।